चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 का है आज आप लोग को हम क्लासरूम से ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। और इसे आप जनरली छूट भी बोलते हैं, वैसे छूट कमीशन को भी बोला जाता है, इसलिए इसे आप बट्टा ही समझेंगे। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, जो अभी आपने क्लास 11th में जो पढ़ना है, वैसे बहुत सारे होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक बट्टा। क्या बोलेंगे? व्यापारिक बट्टा। और कैश डिस्काउंट को नगद बट्टा बोलते हैं। अब ये होता क्या है, जो व्यापारिक बट्टा होता है ये जनरली एप्लीकेबल रहता है ऑल के लिए, सभी के लिए रहता है। चाहे अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करें, चाहे आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करें, यानी परचेज या सेल, दोनों ही चीजों पे अगर आप डिस्काउंट किसी को दे सकते हैं तो डिस्काउंट किसी से आपको मिल भी सकता है। डिस्काउंट अगर आप किसी को देंगे तो डिस्काउंट आपको मिल भी सकता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये एप्लीकेबल ऑल रहता है सभी के लिए, यानी कि अगर कोई कैश में परचेज किया तो उसको भी ये डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर कोई क्रेडिट में किया है तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, उसको भी ये मिलेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ केवल कैश ट्रांजेक्शंस जो करेगा, केवल उन्हीं को ये एप्लीकेबल रहता है, उन्हीं को ये अलाउ रहता है, उन्हीं को ये दिया जाता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा। तो जब भी आप कोई भी चीज परचेज करोगे, क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, दैट मीन्स कि इसको आपने क्या समझना है, या तो कैश में कोई एंट्री नगद वाली आती है या कोई भी क्रेडिट वाली आती है। तो कैश और क्रेडिट सभी के लिए हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये कैश ट्रांजेक्शन अगर होता है, कैश में पेमेंट करोगे आप, या फिर अगर कैश में आपको अगर सेल करते हो तो रिसीव करोगे, तो आप कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। यानी कि आपके जो अकाउंट्स के बुक होंगे, उस अकाउंट्स के बुक में अगर आप जर्नल करोगे तो इसका लेखा नहीं करते हैं। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट आता है तो इसका सीधा कैलकुलेशन करते हैं, और जो प्राइस रहता है उसके वैल्यू में कम कर लिया जाएगा, लेकिन इसकी बुक्स में आप कोई भी एंट्री में इसे जगह नहीं देते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। लेकिन ये जो करेंगे, ये कैश डिस्काउंट, ये कैश ट्रांजेक्शंस होगा, और इसे बुक में एंट्री आप करोगे, ठीक है, और इसे बुक में आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट को आपको बुक में मेंशन करना पड़ेगा, और ये ट्रेड डिस्काउंट को आपको बुक में मेंशन कोई करने की जरूरत नहीं है। ये जनरली इतना है बेसिक सी लेवल की। अब आपको इसका क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 का ए बताते हैं और 11 का बी भी बताते हैं, और मुझे लगता है और 12 का बताते हैं। ये तीन क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो समझिए जर्नल एंट्री जो है बहुत ही अच्छे से आप लोग को बन जाने वाला है, कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 11 का ए है वो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें। तो सबसे पहले बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। महेश के बुक में जो है कुछ लेन देन हुई है, उसका जो है आप लोग को जर्नल करना है। अब महेश के बुक में जर्नल करना है और इसमें 6 एंट्री दिया हुआ है। सबसे पहले अगर इसका हम समाधान करें तो आप लोग एक अच्छे से अपना परफॉर्मा सेट कर लीजिएगा। जो सबसे पहले डेट का कॉलम बनाते हैं, डेट रहे या ना रहे, दूसरा पार्टिकुलर का,
इसके बाद एलएफ का बनाते हैं, फिर डीआर और उसके बाद सीआर का बनाते हैं। ऊपर में यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, और चूंकि ये महेश के बुक में है तो आप लोग महेश लिख लोगे, और एज ऑन अगर डेट रहता है स्पेसिफाई तो वो लिख देते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000 रुपीज, बोलिए अगर कोई भी जानते हैं। महेश बिजनेस स्टार्ट किया है और ये पहला एंट्री है, डेट नहीं है, ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा डेट, पार्टिकुलर्स इसमें हम लोग लिख देते हैं लेजर फोलियो, ये होता है डीआर की अमाउंट और ये होता है सीआर के। तो बोलिए महेश स्टार्टेड कर रहा है बिजनेस को विद कैश से, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, यही होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, महेश एच कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो बीइंग में क्या आ जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये जितना भी अभी 11 का ए बी और 12 आज हम बना रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर ये बन गया तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और सबसे पहली बात, इसका जो अमाउंट है 25,000 रुपीज है, तो आप अमाउंट में डी आर के सामने में 25,000 रुपीज लिख लेंगे और सी आर के सामने में भी 25,000 रुपीज लिख लेंगे। ये आपका हो गया, मैं फ्रेश करने के लिए इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, he ordered his supplier Satish to send ₹5,000 worth of goods। उन्होंने सतीश जो एक सप्लायर था उनका आपूर्तिकर्ता, उन्हें ₹5,000 का माल भेजने का आदेश दिया। लेकिन जब भी कोई आदेश दिया जाता है ना, तो आदेश देने से उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। जर्नल एंट्री कब होती है, जबकि उसका कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, और ट्रांजेक्शन का मतलब कि वो भी उसका कहीं मोनेट्रियल इफेक्ट आना चाहिए, मौद्रिक रूप में कहीं ना कहीं जब आप कोई भी ट्रांजेक्शंस को करेंगे, लेन देन होगा, अगर वहां पे कोई इफेक्ट्स आएगा तो ही केवल उन्हीं ट्रांजेक्शंस का आपने रिकॉर्ड करना है। ऑर्डर के लिए यहाँ कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, चूंकि कोई भी ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो एंट्री विल बी पास्ड, क्या लिखना पड़ेगा, नो एंट्री will be passed। Don't worry, आज जितना भी BST और EPS आपका छूट गया है वो सारे अभी हम करवा देते हैं, बिल्कुल बैठे रहिए आराम से, जिसका भी जो भी एब्सेंट थे सबका क्लियर हो जाएगा। और अभी ये ध्यान से देखें, जो पढ़ लिए हैं वो और अच्छे से ध्यान से सुन के इसका रिवीजन कर लें, और जो नए बच्चे आ गए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से ही करवा रहा हूँ, देख लो अच्छे से। तो यहाँ अमाउंट में भी कुछ नहीं आने वाला है। अब एंट्री नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, परचेज एट 10% डिस्काउंट गुड्स फ्रॉम ए, द लिस्ट प्राइस बीइंग 5,000 रुपीज। ए से गुड्स परचेज किया गया है और जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 5,000 रुपीज, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले बताइए, जब हम परचेज करेंगे ए से तो एंट्री क्या लिखेंगे, एंट्री तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज कर रहे हैं ए से तो हमारे लिए गिवर कौन है, एज, तो क्या हो जाएगा, टू एज अकाउंट हो जाएगा। अब बीइंग में क्या लिखोगे आप, और चूंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में केवल कैश डिस्काउंट का एंट्री लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का लिखते नहीं, इसलिए यहां पे नहीं आएगा। तो बीइंग में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है और फ्रॉम ए है, तो ए से आप परचेज कर रहे हैं, कितने का परचेज कर रहे हैं आप, तो अमाउंट है 5,000 रुपीज, तो 5,000 रुपीज दे दे, लेकिन नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो आपने ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेना है कि कितना आता है। तो 5,000 का 10% कितना होगा, 500,
तो आप क्या करोगे, ये 5000 में 500 अगर आप लेस करते हैं तो ये 4500 रुपया आता है। तो अब जो आपको इस गुड्स की जो कॉस्ट समझनी है डिस्काउंट के बाद, जो आपकी परचेज वैल्यू है वो है केवल 4500 रुपए, 4500, और आपने वही वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको मिला हुआ है। ये समझना है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री में नहीं लिखते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट ही एंट्री में हम इंक्लूड करते हैं। That's clear. Now question number 4 इसका। हरियर को 5% का बट्टा पे गुड्स को सोल्ड किया गया है। सोल्ड गुड्स एट 5% डिस्काउंट टू हरियर, द लिस्ट प्राइस बीइंग 2000 रुपीज। अब देखिए हरियर को सोल्ड किया गया है तो हरियर क्या होंगे, पाने वाले रिसीवर होंगे, तो क्या लिखेंगे हम, हरियर अकाउंट डेबिट। आप गुड्स सोल्ड किए हैं तो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ध्यान देना, हरिहर को जो आप सेल कर रहे हैं 5% बट्टा पर ट्रेड डिस्काउंट पे और 2000 रुपए का है तो ट्रेड डिस्काउंट ही है तो ठीक है, अगर कैश डिस्काउंट रहता तो मुझे ध्यान से देखना पड़ता। तो हरिहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग क्या लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरिहर, गुड्स सोल्ड टू हरिहर किए हैं और गुड्स कितना हरिहर को सोल्ड किया गया है 2000 रुपए का, लेकिन आपको मालूम है चूंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 5% गिवन है, तो 5% अगर निकाल लिया जाए तो 100 रुपीज आते हैं, और अगर 2000 में 100 रुपीज अगर आप लेस करोगे तो 1900 रुपीज आएगा, और वही आपने यहाँ पे लिखना है 1900 रुपीज डीआर में और 1900 रुपीज सीआर में। सर सुनील कमल से गुड्स परचेज किए हैं, लिस्ट प्राइस है 12000 रुपीज, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है और 80% पेड अमाउंट करता है। देखिए ये चीज ना आप अलग से लिख लो, देखो 12000 जो है क्या है, गुड्स की प्राइस है। सबसे पहले आप कैलकुलेशन पे ही ध्यान दो, वर्किंग नोट, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस था, लेकिन आप देखो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट कितना है और कैश पेमेंट कितना किया जा रहा है। सबसे पहले ये चीज ऐसे करके, जब बड़े क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले कि 12000 का आपने लिख लिया लिस्ट प्राइस, कैश प्राइस जो भी बोलिए इसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अब इसका देखो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 3% का कैश डिस्काउंट है, और ये जो कैश पेड कर रहे हैं ना 80% कैश पेड कर रहे हैं, लेकिन 80% किसका पेड कर रहे हैं, इसका नहीं पेड कर रहे हैं, ये तो अभी लिस्ट प्राइस ही है। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से आपको क्या करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन अगर आप सबसे पहले कर लें तो 12000 की 10% कितना आएगा, 10 से 10 से 10 ये आ जाएगा 1200 यानी 1200 रुपीज। अब इसके बाद आप क्या करो, ये 12000 जो रुपीज था इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपका जो है 1200 ये तो घट गया, यानी अब इसकी जो ओरिजिनल वाली कॉस्ट प्राइस है जो आप लोगों के लिए रखा गया है ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो आपको मिलेगा ये है 10800 रुपीज में। लेकिन यहाँ दो कंडीशन है, बोलता है कि अगर आप कैश पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको क्या दूंगा, 3% का कैश डिस्काउंट, और ये केवल जितना आप कैश पेमेंट करेंगे ना उस पे ही कैश डिस्काउंट मिलता है, और ये कैश पेमेंट कितना कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, मतलब किसका कैश प्राइस थे कितने अभी तक के हिसाब से 10800, और इसका 80% ये परचेज कर रहे हैं, 20 को 4 से कर लीजिए, 20 को 5 से कर लीजिए, या चाहे तो 0 को 9 भी करते, 00 डायरेक्ट भी कर लेते तो भी काम होता। चलिए अगर इसको अगर आप करें आगे तो क्या आ जाएगा, 40 40 4 8 जा 32 3 और 4 इतना आ गया, इसको अगर 5 से कर दे तो 5 8 जा, एक आदमी इसका डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तब तक मैं भी निकाल लेता हूँ। देखिए तो इतना ही आता है क्या, 8600
₹840 ना आता है। अब ये देखिए, ये जो है 8640 रुपीज जो है ये कैश पेमेंट करेगा, लेकिन इतना जब वो पेमेंट करेगा ना तो उसे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 3% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, इस पे मिलेगा। तो इसकी अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8640 × 3/100 करके देखिए तो कितना आता है, 8640 × 3/100 259.2, इसे हम अप्रोक्स में 259 रुपीज मान लेते हैं, ये इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब एक काम करो कि आपको देना कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 8640 माइनस ये डिस्काउंट वाला लेस हो जाएगा, ये निकाल लीजिए, तो 8640 माइनस 259 कितना आएगा, ये 8381 रुपीज इतना। अब ये इधर हो गया, और ये 20 कैश पेमेंट अगर 80% है तो आप ये भी निकाल लो, शेष कितने बच गए, ये जो 20% आप ये क्रेडिट वाला है, ये अमाउंट कितना हो गया, तो 10800 में से इसको माइनस कर लीजिए, 8640 कितना आता है, ये चेक कर लो, 2160। ये क्या है, क्रेडिट वाला, ठीक है, ये सारा वर्किंग नोट्स है, अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप देखो एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात, अब आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि गुड्स आपने क्या करा, परचेज करा मिसेज नीलकमल से, तो जब भी आप परचेज करते हो तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, क्लियर। और एक चीज बताइए, जब आप परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि कैश पेमेंट भी कर रहे हैं और क्रेडिट भी ले रहे हैं, तो जब आप कैश पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट आपके पास से कैश जा रहे हैं, और जब आप क्रेडिट में ले रहे हैं तो देने वाले का नाम लिखोगे, क्या है, नीलकमल है, मैसर्स नीलकमल है, तो एमएस नीलकमल लगा दीजिए। और जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हो, तो आप डिस्काउंट रिसीव भी लिख दोगे, ठीक है, ये चीज आप लिख रहे हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट में परचेज आप कितना कर रहे हो, 10,800 रुपए की, तो 10,800 रुपीज आपको यहाँ पे लिखना है। और कैश कितना पेमेंट कर रहे हो आप, 8381, तो ये कैश वाले में 8381 रुपीज लिख लीजिए। और नीलकमल यानी उधार कितना हो रहा है, 2160 रुपीज यहाँ आ गया, और डिस्काउंट आपका था 259 रुपीज, ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए, होगा ही, आप लोग देख लेना एक बार, चेक कर लेना। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नीलकमल 80% कैश पेड एंड 20% ऑन क्रेडिट, 10% TD एंड 3% था ना, 3% CD रिसीव्ड, ये इतना आप रिसीव कर रहे हैं, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 अब हुआ है, एंट्री नंबर जो ये क्वेश्चन 11A का 5 नंबर। अब इसमें 6 नंबर आप लोग देखिए, ये है एस चौहान को सोल्ड कर रहे हैं आप, ट्रेड डिस्काउंट 6% है और कैश डिस्काउंट 1% है। फिर आप इसका वर्किंग नोट इस साइड में अगर कर देते हैं आप लोगों को, कि एस चौहान जो है इसको आप सोल्ड कर रहे हैं कितने का, तो 15,000 रुपीज का, जो लिस्ट प्राइस है, ये लिस्ट प्राइस है 15,000 का, और 6% का ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट 1% का। तो सबसे पहले आप TD निकाल लीजिए, 15,000 की 6/100,
तो ये 900 रुपीज जाते हैं, ये 900 रुपीज आते हैं 900। अब ये 15,000 में 900 अगर आप प्लेस करोगे तो 14100 14,100 आते हैं। और इतना रुपये को आप देखो कि कैश में कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये कितना आपको मिल रहा है। तो बोलते हैं वो ही हैज पेड 60% इन कैश, वो कैश में पेमेंट किया मुझे 60%। तो आप क्या करोगे, ये इतना रुपये इसका ट्रेड डिस्काउंट के बाद हो गया। अब वो जितना कैश पेमेंट करेंगे उतना उन्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 14100 का वो 60% ही कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसका कर लो 6 का जीरो से करोगे तो जीरो 6 1 जा, देखिए इतना ही आता है क्या, 8460 14106 14106 इतना ही आएगा 8460 रुपीज। ये आ गया कैश पेमेंट करेंगे ये, और जब ये कैश पेमेंट करेंगे इतना तो इस पे ही उन्हें कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा 8460 × 1/100 निकालिए। ये यहाँ पे हो गया और वैसे ये आ जाना चाहिए 84.6, इसे एवरेज में हम 85 रुपीज मांगे, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया। तो यानी ये जो है 8460 में से अब ये 85 प्लेस करने के बाद पेमेंट करेंगे हमें, ये कितना पेमेंट करेंगे 8375 रुपीज, क्या चेक कर लीजिए 8375 रुपीज ये हमें पेमेंट करेंगे। और इधर कितना हो रहा था 14100 में, इतना अगर ये कैश में ये पेमेंट कर रहे थे 8460, तो रेस्ट वाला क्या हो गया क्रेडिट वाला, ये निकाल लीजिए, ये क्रेडिट का हो गया, क्रेडिट में जो आपने उन्हें सेल कर दिया क्रेडिट सेल के लिए 14100 − 8460 − 8460 कितना आता है 5640 रुपीज। अब इसका ये सारे वर्किंग नोट्स हो गए, तो आप इजीली क्या करो, अब एंट्री कर लो। तो आप क्या कर रहे हैं, एस चौहान को सोल्ड कर रहे हैं, तो पाने वाले एस चौहान है, तो आप क्या लिखोगे, एस चौहान्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सबसे पहले बात, एस चौहान को सेल कर रहे हैं और ये क्रेडिट में कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम लिख लीजिए। लेकिन हाँ, ये कैश भी पेड कर रहे हैं तो हम कैश रिसीव भी कर रहे हैं, तो आप कैश अकाउंट डेबिट भी लिख लो, एस चौहान अकाउंट डेबिट भी लिख लो। और आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो आप डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट लिख लो। और ये सारे चीज के लिए जो जनरली आप कर रहे हैं सेल, तो आप सेल्स को क्रेडिट में लिख लो, टू सेल्स अकाउंट। ये जो डीआर है जरा यहाँ पे लिख दीजिए, अमाउंट वाले में नहीं, ये आप लोग अच्छे से कर लेना, हम अमाउंट सीधा लिख रहे हैं। तो एस चौहान अकाउंट डेबिट, सबसे पहली बात की सेल आप कितना का कर रहे हो, तो ये 14100 जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट आई है 14100 14,100 रुपया, जिसमें कि आप कैश में पेमेंट कर रहे थे कितना, कैश परचेज वो कैश पेड कर रहे थे 8460 रुपया, लेकिन उसमें उन्होंने डिस्काउंट भी देना है 85 रुपीज। तो डिस्काउंट वाले में आ जाएगा 85 रुपीज, और इधर आ जाएगा कैश वाले में 8375 रुपीज, और ये जो क्रेडिट वाला हो गया उनका 5640। इस तीनों को ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही होगा। अब लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान, ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, एंड क्या दिया उन्हें, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट भी दिए हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलॉट टू हिम, या आप मेंशन कर दो कि ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया और कैश डिस्काउंट कितना दिए हैं, ये 6% और ये 1% अलॉट टू हिम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। लास्ट में आप क्या करते हैं,
ये डी आर का और सी आर का दोनों तरफ का जोर कर लीजिए, अगर ये मिलता है डेट मीन्स की योर क्वेश्चन इज राइट, और ये जरूर से जरूर ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के बी पे चलेंगे।